पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ एक दिवसीय कांग्रेस पार्टी का धरना। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रखंड स्तरीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का एक दिवसीय धरना, जिसकी अध्यक्षता चुरचू प्रखंड अध्यक्ष जयप्रकाश यादव के नेतृत्व में वंशीधर इंटरप्राइजेज पेट्रोल पंप मेन रोड चरही में किया गया। मुख्य अतिथि सीपी संतन उपस्थित हुए। एक दिवसीय प्रदर्शन करते हुए साथ ही ग्राहकों ने स्वेच्छा से मूल्य वृद्धि का विरोध करते हुए अपना अपना हस्ताक्षर किया एवं मोबाइल नंबर अधिकृत कर पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य वृद्धि को वापस लेने कांग्रेस के मांगों को जायज ठहराया। मुख्य अतिथि सीपी संतन, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष लखराज सिंह, जिला संगठन सचिव अनवर हुसैन, कुलवरी मजदूर यूनियन के नेता शमशेर आलम, शंकर सिंह, भीम सिंह, खालिद अंसारी, अलक सिंह, भानु प्रताप सिंह, कमरुद्दीन अंसारी, मुस्लिम अंसारी, सकूर अंसारी, कुलेश्वर करमाली, शिव कुमार यादव, पंकज सिंह, अनिल मिंच, चंदन कुमार, एमडी मिन्हाज, राजेश कुमार, धनु महतो, विनोद मेहता, पीके वर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए। खबर 365 न्यूज के लिए चरही से साहिब की रिपोर्ट। ये हम लोग धरना नहीं दे रहे हैं। आज देश की जनता मूल पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि के चलते त्राहिम आम कर रही है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सिर्फ एक चीज का महंगाई नहीं बढ़ता है बल्कि जिंदगी के जितने भी इससे संबंधित चीज है उस सारे के सारे चीजों पर, चाहे इसके किसान हो, मजदूर हो, खेत खलिहान में काम करने वाले लोग हो, सारे लोग प्रभावित होते हैं। ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगा तो मूल्य वृद्धि बढ़ेगी। उसी के खिलाफ, चूंकि मोदी जी ने कहा था 2014 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो अब हम लोग रोड पर उतरे हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब न चाहिए मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल का दाम जो 65 रुपया कांग्रेस के रिजीम में था, चूंकि इन लोगों ने कहा था कि हम 30 रुपये 35 रुपये तेल देंगे, आपने देखा होगा 1.5 के बाबा हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर बाबा बोल रहे थे कि 35 रुपये से ज़्यादा रेट नहीं होना चाहिए। एक से एक फिल्म कलाकार लोग थे, अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार तक, उन लोगों का भी कमेंट आया था कि पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य जो है बहुत ज़्यादा है। तो हम उन लोगों से भी मांग करते हैं कि अब वो लोग फिर उतरे रोड पर, और मोदी जी से भी मांग करते हैं कि जो है जो मुख्यमंत्री उन्होंने देश को आश्वासन दिया था, उसी को है जो प्रधानमंत्री आश्वासन को पूरा करें और देश के जनता को बचावें। आज देश की दुर्गति इस तरह की है, हो गई है कि मिडिल क्लास पैरों तले रौंदा जा रहा है महंगाई की मार से। समाज का कोई भी ऐसा तबका नहीं है सिर्फ अडानी और अंबानी को छोड़कर कि जो प्रभावित नहीं हो, और उसी खिलाफ हम चाहते हैं कि जनता की समृद्धि हो, जनता की विकास हो। कांग्रेस के रिजी में 65 रुपये पेट्रोल था और आपको 13 या 16 रुपये में। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। आप जो इतना महंगा तेल ले रहे हैं मोटरसाइकिल में, इसके बारे में बताना चाहेंगे? तो महंगा तेल जो आप लोग ले रहे हैं, आप लोग कैसा लग रहा है? अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। We'll be right back.